कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना बहुत गंदे जाओगे। अपना इतना बड़ा जो भारत, अखंड भारत था, वो खंडित पाया है। और जब बात हिंदू राष्ट्र की, वेलकम टू माय सब्सक्राइबर टू योर वैजेंद्र सिद्धि चैनल। सो गाइस, आपको पता है एक अंधभक्त जिसका नाम है बदबू पांडे, तो आइए फिर उसके ऊपर एक वीडियो लेके आओ, देखते हैं कि अब उसके कुछ बातों में कुछ लॉजिक है या नहीं है, या वही सर पैर कुछ भी बातें हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ फ्री प्रमोशंस के बारे में। अगर आपका यूट्यूब चैनल कोई भी गलत चीज को प्रमोट नहीं किया है तो मैं आपको फ्री में प्रमोट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहां जाके फॉलो कर लेना। अगर कुछ टॉपिक सजेस्ट करना है या प्रमोट करवाना है तो आप लोग मुझे बेफिक्र होकर डीएम कर सकते हैं, मैं आप लोगों की कमेंट्स या डीएम जो मैसेज रहते हैं वो पढ़ता हूँ। और ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे 2 बार प्रमोशंस वीडियो कर चुका हूँ, वो भी फ्री में, तो आप लोग को अगर करवाना है तो आप लोग कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना बहुत गंदे जाओगे। अपना इतना बड़ा जो भारत, अखंड भारत था, वो खंडित पाया है। और जब बात हिंदू राष्ट्र, क्योंकि मैं कहती हूँ हिंदू राष्ट्र है, कि मैं कहती हूँ हिंदू राष्ट्र है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। 20 करोड़ मुसलमानों ने इनकी नट को टाइट किया हुआ है, ताकि सोचिए 65 करोड़ मुसलमान आने के बाद इन भारतीय जनता पार्टी के जो टटपुटिये हैं उनकी क्या स्थिति होगी, समझ रहे हो। तो दोस्तों, फिर से और एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ इस बदबू पांडे पर। और इस बदबू पांडे की वीडियो देखने के बाद शायद आप यही कहेंगे, ये टट्टी किसने की है। जी हाँ, क्योंकि इस बदबू पांडे की बातों में ही जहर है। तो आओ यार, वीडियो में आखिर तक बने रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वो सेकुलर तब तक है क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन यहाँ मुसलमान बहुसंख्यक होगा उसको कितना टाइम लगेगा इस्लाम, ये इस्लामिक कंट्री बनने में। प्यारी समझ गई, ये हिंदुओं की सबसे बड़ी दुर्लभता है, जो इसको हिंदू राष्ट्र बनने में जो परेशानी कर रहे हैं कुछ हिंदू ही, मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ हिंदू ही। और ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है, अब ये किसी को आगाज करने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब ने मान लिया है। अब इसे हिंदू राष्ट्र क्या के ही संबोधित किया जाएगा, यह अब इसे हिंदू राष्ट्र क्या के ही संबोधित किया जाएगा। आपकी औकात बता रहा हूं सर। भारतीय जनता पार्टी के जो संभावित कट्टर जो हिंदू राष्ट्र भक्त है, वो 20 करोड़ मुसलमानों से इस कदर परेशान है कि वो अपने घर पे कटोरा लेकर बिना कपड़ों के राशन की दुकानों पर लाइन लगाने पर मंजूर हैं। गजब बेइज्जती है। बता दूं कि आपको पता है हम हिंदू हैं, और हिंदू की सबसे बड़ी बात क्या है पता है, हमें सहनशीलता बहुत होती है। अच्छा। और हम हिंदुओं की सहनशीलता की वजह से हमने अपना इतना बड़ा जो भारत, अखंड भारत था, वो खंडित पाया है। अखंड भारत था, वो खंडित पाया है। रुको जरा, सबर करो। सोचिए अखंड भारत में क्या होगा। पाकिस्तान में करीबन 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम आबादी है, जो भारत का हिस्सा हो जाएगी, अखंड भारत का हिस्सा हो जाएगी। अफगानिस्तान में 30 करोड़ की आबादी का मुसलमान है, इसके साथ जो तालिबानी आतंकवादी संगठन है वो हमें बोनस में मिलेगा, ये सारे लोग भारत, अखंड भारत का हिस्सा होंगे। बांग्लादेश में 14 करोड़ मुसलमान है, जो इस अखंड भारत का हिस्सा होगा। अगर इस पूरे अखंड भारत में मुसलमानों की संख्या पर अगर ध्यान दिया जाए तो करीबन ये 65 करोड़ को पार कर जाती है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना बहुत गंदे जाओगे। और जब बात हिंदू राष्ट्र की होगी, मैं कहती हूँ हिंदू राष्ट्र है, ये है अभी से हिंदू राष्ट्र। और जो हमारे धर्म पे टिप्पणी करता है उनको खत्म कर दिया जाए। 20 करोड़ मुसलमानों ने इनकी नट को टाइट किया हुआ है, ताकि भारतीय जनता पार्टी रोज बिल बिलाती है, समाचार चैनलों पर बिल बिलाती है, ट्विटर पर चिल्लाती है, सोशल मीडिया पर चिल्लाती है। सोचिए 65 करोड़ मुसलमान आने के बाद इन भारतीय जनता पार्टी के जो टटपुटिये हैं उनकी क्या स्थिति होगी। तो दोस्तों, भारत अगर अखंड भारत बनता है तो भारत की क्या स्थिति होने वाली है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। पर कोई बात नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और दूसरे। गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग ऐसी कुछ अच्छी वीडियो चाहते हो या अंधभक्तों पे वीडियो चाहते हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड बात, अखंड भारत की जो बात है, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग जो सोचते हैं कि बदबू पांडे ने सही बोला या वो जो अंकल थे या वो जो बंदे थे उन्होंने सही बोला, तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ओपिनियन देखूं तो भाई जो बंदे थे वो सही बोले, क्योंकि उसकी अभी भी बात यही है बिगर हाथ पाओ सर की। तो आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।